हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम्स गुड टाइम्स। मेरी आज की जो वीडियो है, मैं आज आपको कुछ कुर्ती स्टाइलिंग करके दिखाने वाली हूँ। विद द फेस्टिव सीजन नाउ अराउंड द कॉर्नर, वॉट एवर इट इज, वी फाइंड आवर ओन वेज ऑफ पेपिंग अप एंड हम लेडीज को तो बस रीजंस चाहिए टू ड्रेस एंड शो अप। तो चलिए, आज मेरी जो खुद की पर्सनल कलेक्शन ऑफ कुर्ती है, उसमें से कुछ कुर्ती मैंने निकाल के आज की स्टाइलिंग के लिए रखी है। मेनली बिकॉज रक्षाबंधन आ रही है, सो आई थॉट वाई नॉट क्रिएट अ रक्षाबंधन आउटफिट लुक। यहाँ पे सिर्फ मैंने कुर्ती का इस्तेमाल किया है। ट्राई टू क्रिएट अ लुक बुक फॉर द रक्षाबंधन, और यू कुड ऑल्सो ट्राई इट आउट फॉर जन्माष्टमी फेस्टिवल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो चलिए बिना टाइम जाया किए देख लेते हैं कि ये स्टाइलिंग मैंने किस तरह से की है। एंड अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती है, देन डू नॉट हेजिटेट टू गिव इट अ बिग लाइक। एंड ऑल्सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, देन प्लीज गो डाउन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। उनके भी काम आ जाएंगे ये फेस्टिव लुक बुक्स। एंड स्टे ट्यून्ड, क्योंकि विद द फेस्टिव सीजन अराउंड द कॉर्नर, मैं और भी कुछ फेस्टिव लुक्स लेके आने वाली हूँ। आई बी सी यू सून। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो चलिए लेट्स डेल्व इनटू द वीडियो। For my first look here, I have styled a monochrome kurta palazzo set which I had brought from Delhi Haat. जब मैंने ये सेट खरीदी थी तब मुझे इसके साथ कोई भी चुनरी नहीं आई थी गाइज, सो इसे मैं अलग अलग चुनरियों के साथ स्टाइल करती हूँ। एंड हियर फॉर दिस पर्टिकुलर ड्रेस आई ट्राई टू प्ले ऑन विद द कलर, सो आई टुक अप दिस कंट्रास्ट बैंगनी दुपट्टा जिसपे पूरी गोल्डन थ्रेड की काम की हुई है विद अ गोल्डन रेड बॉर्डर। ये चुनरी जो है मेरी एक दूसरे सेट के साथ है, बट सिंस आई वॉन्टेड टू क्रिएट द फेस्टिव वाइब, आई क्रिएटेड दिस कॉन्ट्रास्ट लुक, एब्सोल्युटली अ वेरी यूनिक कलर कॉम्बिनेशन। एंड आई हैव कम्प्लीटेड द लुक विद एक्सेसराइज ज्वेलरीज, दैट इज माई स्टेटमेंट नेकलेस पीस एंड माई इयर रिंग्स। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी हुई है, आई एम श्योर यू मस्ट बी सीइंग दैट दिस इज अ रिपीट ज्वेलरी विच आई एम वेयरिंग एंड आई एम इन फुल लव विद दिस ऑक्सीडाइज सेट ऑफ माइंड। अभी ये कुर्ते पे आप देखिए, गौर कीजिए कि इस पर बहुत अच्छा सा सामने के तरफ एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है विद द सेम वी वर्क। सो सिंस दिस वॉज ऑलरेडी अ गारिश सूट ऑन इट्स ओन, द परफेक्ट कॉम्बिनेशन वॉज टू वेयर द कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा विद दिस टू क्रिएट दैट परफेक्ट फेस्टिव वाइब। दिस ड्रेस यू कैन डेफिनेटली वेयर इन द मॉर्निंग आवर्स एज वेल एज इन द इवनिंग आवर्स। For my second look here, I am wearing a Biba dress. Needless to say, I am a Biba lover. This is not a sponsored video. Main Biba ke dresses bahut pasand karti hu and this is one of the kalidar dresses that I am wearing here. Iski dekhiye gher kitni achhi hai and ye kafi material laga hai is dress ko banane mein. To ye jo gher hai, ye kali wali gher hai and here I am styling it with a चिकॉन पेंसिल ट्राउजर। इसके साथ ऑरेंज कलर की आई थी बॉटम, लेकिन मैंने वो नहीं स्टाइल की है। एंड इसकी स्लीव जो है ये है चूड़ी वाली स्लीव है, तो इसीलिए मुझे हाथ में कोई भी एक्सेसरीज पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ी एंड इट इज़ अ वेरी गॉर्जियस सूट ऑफ इट्स ओन। एंड सामने की तरफ आप देख पाएंगे कि इसमें बहुत अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, हैवी एम्ब्रॉयडरी विथ वाइट थ्रेड एंड विथ ऑरेंज बीड्स एज वेल। क्योंकि इसमें ऑरेंज टच है तो मैंने इसे और भी एक फेस्टिव ड्रेस क्रिएट करने के लिए आई टुक ऑन माई हैवी बनारसी दुपट्टा, जो कि बहुत ही हैवी फ्लोइंग दुपट्टा है। सो इसे हम अलग अलग तरीके से हम स्टाइल कर सकते हैं। मैंने गले में कुछ भी नहीं पहना हुआ है बिकॉज द सूट इन इट सेल्फ इज़ वेरी गॉडी, तो कोई ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं थी। एंड आई हैव एक्सेसराइज अ नाइस ब्यूटिफुल क्रिस्टल pair of danglers with this and I'm trying to play with the different styling dupatta here that I'm doing from time to time. So this is again a dress jo ki aap evening wear ke liye bhi leke ja sakte hain for your rakshabandhan or for your janmashtami or any such small festive season that is coming around the corner. So this dress is overall actually creating a perfect festive vibe. For my third styling here guys, I'm wearing a Pakistani suit. ये मैंने एक एग्जीबिशन से ली हुई थी, which is an A-line cut suit. And the color, because of the color yellow is also one of my favorite. तो मैंने इसको color के लिए मैंने खरीदी थी. This is a very smart and stylish suit. इसे मैंने ये जो कोटी पहनी हूँ ये डेफिनेटली इसके साथ नहीं आई थी, दिस हैड कम विद अनदर बीबा सूट ऑफ माइंड, वो भी चूड़ी स्लीव वाली। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे फेस्टिव लुक क्रिएट कर रही हूँ तो इसे एक कंट्रास्ट लुक दे दूँ। सो आई हैव पेड इट विथ माई नाइस कोटी, मजेंडा कोटी एंड विच हैज़ ब्यूटिफुल गोल्डन फ्लावर्स ऑल ओवर। एंड इसे मैंने एक्सेसराइज किया है विथ सम ट्राइबल ज्वेलरीज जस्ट टू गिव इट अ वेरी स्मार्ट एंड अ वेरी
नॉट वेरी गॉर्जियस बट एट द सेम टाइम अ लुक जो कि आप मॉर्निंग आवर्स में भी कैरी कर सकते हैं एंड यू कैन डेफिनेटली कैरी इट आउट इन द इवनिंग आवर्स. एंड हियर आई हैव रिपीटेड द सेम ट्राउजर जो कि मैं मेरे प्रीवियस ड्रेस में पहनी थी, दैट इज द लखनऊ चिकॉन पेंसिल ट्राउजर्स. सो आई थिंक दिस होल लुक इज कम्प्लीटेड विथ माई ज्वेलरीज एंड द कोटी दैट आई एम वेयरिंग. एंड येस, नीडलेस टू से मैंने इसके साथ एक वॉच पहन रखी है बिकॉज ये थोड़ी सी स्मार्ट आउटफिट है, नॉट अ वेरी ट्रेंडी आउटफिट और नॉट अ वेरी एथनिक लुक आउटफिट. सो द होल लुक इज कम्प्लीटेड. इन माई फोर्थ स्टाइलिंग हियर गाइज, आई एम वेयरिंग अ वेरी फेमिनाइन सूट जो कि मैंने एक बुटीक से खरीदी हुई है. एंड इसको जो मेरा खरीदने का मकसद था ओनली बिकॉज ऑफ द कलर, अगर आप देख पा रहे हैं इसकी बहुत ही यूनिक कलर कॉम्बिनेशन है. दिस इज समवॉट लाइक अ पीकॉक ग्रीन विथ लाइट पिंक पाइपिंग डन एट द साइड स्लिट्स. और ये जो दुपट्टा है द बनारसी दुपट्टा, बिल्कुल ये बहुत वेट वाली दुपट्टा तो नहीं है, काफ़ी लाइट वेट वाली दुपट्टा है, बट ये इसके साथ ही आई थी. सो हियर आई एम वेयरिंग दिस एंड स्टाइलिंग दिस एंटायर ड्रेस विद द दुपट्टा. एंड इसके गले में काफ़ी जरदोसी का काम किया हुआ है. सो मुझे इस ड्रेस के साथ कोई तामझाम नहीं करनी थी एंड आई जस्ट पुट ऑन अ नाइस झुमका, पिंक झुमका टू मैच द कम्प्लीट लुक. एंड इसके साथ मैंने गोल्डन पेयर की सैंडल्स पहनी हुई है विद लिटिल हील. एंड हियर ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू प्ले विद डिफरेंट डिज़ाइंस जो कि आप अलग अलग तरीके का स्टाइलिंग दुपट्टा करके भी अपने सूट को और भी गॉर्जियस या स्टाइलिश बना सकते हैं. सो दिस इज क्रिएटिंग अ परफेक्ट फेमिनाइन लुक. फॉर माई नेक्स्ट स्टाइलिंग गाइज, मैंने यहाँ पे पहन रखी है एक शरारा एंड अ ब्यूटिफुल लखनऊ चिकॉन शॉर्ट ए लाइन कुर्ती. ये कुर्ती जो है ये पूरी एम्ब्रॉयडरी करी हुई है एंड ये बहुत ही अगेन अ वेरी सॉफ्ट मटेरियल का ड्रेस है जो कि बहुत ही कम्फी वेयर है फॉर अ परफेक्ट समर मॉर्निंग और इवन फॉर अ परफेक्ट समर इवनिंग. सिंस मैंने ऑफ वाइट पहनी हुई है तो मुझे आई वॉन्टेड टू कीप इट अ लिटिल सटल ड्रेस, तो इसीलिए मैंने बहुत कुछ हैवी या बहुत स्टार्क कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने की कोशिश नहीं की है. And I have accessorized my pearl single string necklace with a nice beautiful pearl top. देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी, इसमें पूरी कुर्ते पे बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, लखनऊ एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, which is creating a very fashionable look for this. And I felt this was a perfect accessory which I had to pair with this particular outfit. एंड इसके साथ थोड़ा सा इसे, सिंस मैं आपको फेस्टिव सीजन का दिखा रही हूँ, मैंने थोड़ा सा गारिश लुक क्रिएट करने के लिए मैंने मेरी बनारसी चुनरी ओढ़ ली है इसके साथ. देखिए ये कितना स्टाइलिश दे रहा है. ये चुनरी ओढ़ने के बाद द होल लुक ऑफ द ड्रेस इज टोटली चेंज एंड हियर आई हैव टेकन अ नाइस वाइट स्मॉल पोटली टू गिव इट अ वेरी एलिगेंट टच. अ लुक अगेन विच यू कैन डेफिनेटली कैरी इन द मॉर्निंग आवर्स एज वेल एज इन द इवनिंग आवर्स. And for my last styling look here, I'm wearing a complete black dress, the woman in black, where I'm wearing a black kurti. Again, this is a Lakhnovi kurti. Niche maine ek slip pehen rakhi hai, jo chiffon pe puri embroidery kari hui hai. And I'm wearing a palazzo at the bottom. I paired it with a palazzo. Iske saath churidar zarur aayi thi, but I feel wearing it with a palazzo makes it more stylish and fashionable. And yahan pe maine ek buddha चुनरी ले ली है जो कि प्योर कॉटन की चुनरी है एंड काफ़ी लेंथ वाली चुनरी है. ये पूरी एम्ब्रॉयडरी करी हुई है एंड यहाँ पे मैंने एक्सेसरीज़ में फिर से वही पहना हुआ है जो मैंने ऑनलाइन पे आपको दिखाई थी, माय ग्लास मिरर वर्क किया हुआ ऑक्सीडाइज सेट. दिस लुक्स परफेक्ट विद दिस ड्रेस क्योंकि ब्लैक एंड सिल्वर मेक्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन एंड ये बहुत ही सोबर भी लगता है. एट द सेम टाइम यू एंड अप लुकिंग वेरी स्टाइलिश विद दिस काइंड ऑफ अ लुक. So my Buddha chunri has completed the entire look of the black dress. Again a contrast combination. Since again I am creating a festive look, so colors cannot be dull or cannot be very simple. It always has to be a little striking. And I'm pairing it with my heels and I feel this look is completed. So guys, this was my video where I put on alag different dresses to style for the festive season. I hope you liked it. If you liked it, आप इसे एक subscribe ज़रूर करें, आप इसे एक thumbs up ज़रूर दें. I'll be seeing you soon with my more festive season styling tips. तब तक के लिए आप खुश रहिए and चुस्त रहिए. I'll be seeing you soon. अभी आज